पकड़ के बता के घंटा बजा दिया आपका इंडिया की सी टीम ने, इंडिया की उस सी टीम ने जिसको भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, पकड़ के बजा दिया घंटा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का भाईजान। ये मैं कहता हूं कि ये इंडिया का टिपिकल टैलेंट है। हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई, किसी का बाप नहीं रोक सकता। और बगैर पांड्या के, बगैर सिराज के, बगैर बुमराह के, और उसके बाद बगैर विराट के, बगैर रोहित के, सबके बगैर इन्होंने लिटा दिया। मतलब यार आवेश खान को लेके वो सीरीज जीत गया, ट्रेवस हेड उस टीम में मौजूद। 5 ओवर तक गेम ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 2-2 कर देगा, लेकिन देन रवि बिश्नोई केम इन, और जिस तरह मैं इस बच्चे को कहता हूँ, इस लड़के के दिल नहीं, इसके अंदर शेर का दिल है, लाइन्स हार्ट की तरह ये बॉलिंग करता है। तो दिस वाज द यंग इंडियन साइड, दे प्ले फ्रॉम द स्टार्ट एंड दे वन द फर्स्ट 2 मैचेस अगेंस्ट अ मच स्ट्रॉन्गर ऑस्ट्रेलियन टीम। तो देयर परफॉर्मेंस टुडे वाज आउटस्टैंडिंग अगेन। एंड ये जो बंदा है, ये जो डायनामाइट पॉकेट है ना, जिसका नाम है रिंकू सिंह, यार फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल गया आज। ये बिलीव आने के लिए फैंटी खाना बहुत जरूरी है। वो फैंटी हिंदुस्तान में खाई, वो खाई ठीक ठाक किस्म की पैंटी खाई उन्होंने, और उस पैंटी के बाद जिस तरह रीयूनाइटेड हुए हैं पिछले एक महीने के, मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान विल विन दिस सीरीज। 175-176 है जो कि 10 से 15 रन कम था, 200 के करीब ये टारगेट डिफेंड किया जा सकता था। रन कम थे यहाँ पर, 10-15 रन कम थे जो लग रहा था, मगर यहाँ पर आपने बॉलिंग से वापस आना था, और बॉलिंग में वापस आने के लिए मुकेश शादी के फौरन बाद आ गया। इसने अपनी पिच छोड़ के आज इसने बोला कि मैं रायपुर की पिच पे काम उतारने की कोशिश करूंगा पूरा। निकल पाया जरा रिकी पॉन्टिंग, परसों ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, भाईजान का स्टेटमेंट आ गया जी, अब ऑस्ट्रेलिया इधर से बाउंस बैक करके सीरीज अपने नाम करेगा, मेरा छनकना अपने नाम करेगा। सामने बाबर आजम की टीम नहीं खेल रही बेटा, सामने इंडिया का टैलेंट खेल रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट प्लस चैनल पर। कल रात टीम इंडिया की यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया को T20 से हरा करके 3-1 से सीरीज जीती, और ऐसा लग रहा था कि 175 रन कल पहले इसमें जब भारत ने बनाया तो ऐसा लग रहा था कि भारत मैच हार जाएगा, क्योंकि जिस बल्लेबाजी के साथ तीसरे T20 जीत लिया था ऐसा लग रहा था कि ऐसा हुआ था, क्योंकि 3 ओवर में 40 रन से ऊपर हो गया था और विकेट कोई भी नहीं गिरा था। लेकिन जिस तरीके से रवि बिश्नोई ने कम बैक कराया और पहले ही बॉल में उन्होंने विकेट छटक लिए, तब जाकर एक उम्मीद जगी कि इंडिया मैच जीत सकता, और बाकी जो काम था वो अक्षर पटेल ने तमाम कर दिया। मिडिल ओवर में अच्छे खासे विकेट उन्होंने छटक लिए, पहले 3 ओवर को छोड़कर तो पूरा बाकी 5 ओवर को छोड़कर पूरा जो उभरता हुआ इंडिया के नाम रहा, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और खासकर शुएब अख्तर जमकर तारीफ कर रहे हैं टीम इंडिया के। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। जो कहते थे जितेश शर्मा बेकार खिलाड़ी है, हाँ। अबे मेरी नजर पे सवाल उठाओगे तुम? अबे बजाती उसने 200 का स्ट्राइक रेट, उसने जिस नंबर पे मारा है ना, 5-5 साल से दुनिया में विकेट कीपर नंबर 1 पे खेल रहे, लेकिन कभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं किया है। यार जितेश शर्मा के लिए रॉजर मिनी ने आके कहीं नहीं कहा कि इसमें फ्लेयर है, ठीक है। हारिस के लिए कह दिया था रमेश भाई ने, फ्लेयर है इसके अंदर, फ्लेयर। अबे घंटे का रिकी नहीं है उसके अंदर, फ्लेयर कहां से आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जितेश अब ये हार कौन क्यों निकाल रहा था भाई, हर बॉल पे एक तो शर्मा लगा हुआ है तो 6 तो होगा, शर्मा है तो फिर छक्के तो मारेगा रोहित शर्मा, जितेश शर्मा। अच्छा अब ये जितेश की बारी नहीं आई थी असल में, मैं आप बताता हूं कहां, देखिए इसने अपना डेब्यू किया एशियन गेम्स में, ठीक है, वहां इसने 3 मैच खेले, बारी नहीं आई, 1 मैच में बारी आई, 1 बॉल पे उसमें भी 5 रन है इसके, 1 बॉल पे भी 5 रन है इसके। तो आप अंदाजा स्ट्राइक रेट का अंदाजा लगा लीजिए, 500 हो गया, 500 का स्ट्राइक रेट के साथ। ये तो बेचारे को सर्वाइवल गेम भी खेलना था, वरना ये बहुत मारता है, इतनी गेंदों पे 50 भी कर देगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। और बगैर पांड्या के, बगैर सिराज के, बगैर बुमराह के, और उसके बाद बगैर विराट के, बगैर रोहित के, सबके बगैर इन्होंने लिटा दिया। मतलब यार आवेश खान को लेके वो सीरीज जीत गया, ट्रेवस हेड उस टीम में मौजूद। 175-176 है जो कि 10 से 15 रन कम था, 200 के करीब ये टारगेट डिफेंड किया जा सकता था। रन कम थे यहाँ पर, 10-15 रन कम थे जो लग रहा था, मगर यहाँ पर आपने बॉलिंग से वापस आना था, और बॉलिंग में वापस आने के लिए मुकेश शादी के फौरन बाद आ गया। इसने अपनी पिच छोड़ के आज इसने बोला कि मैं रायपुर की पिच पे काम उतारने की कोशिश करूंगा पूरा। तो यहाँ ये आया, साथ में अक्षर पटेल था, मुझे ये था कि यार बाकी लोग आवेश कुछ करे ना करे, तू उल्टे हाथ से कुछ कर दे आज, क्योंकि बैटिंग में आज तुम्हें फिर मौका था, बैटिंग में आज को अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका, मगर बोलिंग में आज ये था कि यार आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर बिश्नोई, आपको बताया वो आप बाहर प्ले से, मैथ्यू एडन को बता तो दिया था, एक हफ्ते पहले बताया था कि अलीगढ़ का एक ही काफी होता है, एडन चाचा मेरी बात मान लो, नहीं माना। अब मतलब जिस दिन रिंकू की बैटिंग नहीं आई,
उस दिन इंडिया हारा और तीन मैच जो इंडिया जीता रिंकू इन मैच विन के एवरेज पे आपकी तीन मिनटें गिर गई है भाई 60 पे 60 बट टू मी टुनाइट मतलब बिलोंग्स टू जितेश शर्मा क्योंकि जितेश शर्मा रेगुलर नहीं है आज अचानक आउट ऑफ द बॉक्स खेला मेरी पहली बारी ले रहा है यार 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट ये होती है फियरलेस अप्रोच देखिए एक बात और बताऊं आपको मैं ये दुनिया का शायद भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होगा 100 मैच 101 छक्के जितेश ना 20 में 100 T20 इसमें 2228 रन हैं इसके जनाब पर 100 मारा है और तकरीबन 50 मारे में उसके ऊपर मैं ये बता दूं नहीं मारे होते तो बता दिया ना क्या है चेक कर लो बेटा 100 मैचेस 101 छक्के 15 स्टंप भी बता दिए 2 विकेट की बारे में टेस्ट में स्टंप करता है ये तो एंड हो गया सीन भाई पकड़ के बता के घंटा बजा दिया आपका इंडिया की सी टीम ने इंडिया की उस सी टीम ने जिसको भाई इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ही नहीं है पकड़ के बजा दिया घंटा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का भाईजान ये मैं कहता हूं कि ये इंडिया का टिपिकल टैलेंट है हमारे लोगों के पास स्किल्स कोई वाली चीज भी नहीं है ठीक है अक्षर पटेल ने जिस तरह मिडल ओवर में आके बॉलिंग किया ना वो मैच का इंपैक्ट प्लेयर है वो मैच का टर्निंग पॉइंट वाला बंदा है जिसने मैच इंडिया के हाथ में दिया है रिंकू सिंह 8वें ओवर में बैटिंग के लिए आया उसने आते सार टाइम लिया फिर 46 उसने जो किया ना वो 46 बेसिकली ये था जो आज इंडिया को मैच जीता आगे गया फिर आता है जितेश शर्मा भाईजान वो जिस तरह बैटिंग कर रहा था ना मुझे लगा कि बंदे के पास पता नहीं 150 मैचेस का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है भाई जब आपके दूसरे एंड के ऊपर एक ऐसा प्लेयर खड़ा हो ना जो किसी भी सिचुएशन में आके ब्लक 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 छक्का मार सकता है तो फिर जो इस एंड पे खड़ा था ना वो भी कहता है यार मैं भी किसी से काम नहीं हूं मैं भी कर सकता हूं क्योंकि मैं प्रॉपर टैलेंट और स्किल्स के साथ सिस्टम से निकल के आया हूं तो मैं क्यों नहीं कर सकता फिर जितेश शर्मा दोनों ने मिल के घंटा बजाया ऑस्ट्रेलिया का ये आया होता है मेरे घंटे का किंग देखो ट्रैवल सैड था लेकिन पोट छंदना भी नहीं सका सारे थे लेकिन कर कुछ नहीं सके करता वही है बेटा जिसके बाजू में दमखम होता है और इंडिया के बाजू में दमखम है उन्होंने ये चीज बता देखो निकल पाए जरा रिकी पॉन्टिंग परसों ऑस्ट्रेलिया का मैच जीत गया भाईजान का स्टेटमेंट आ गया जी अब ऑस्ट्रेलिया इधर से बाउंस बैक करके सीरीज अपने नाम करेगा मेरा छनकना अपने नाम करेगा सामने बाबर आजम की टीम नहीं खेल रही सामने घंटे आजम की टीम नहीं खेल रही कि जो प्लेट में रख के मैच देती है भाईजान ये मैच ले लो ये आपका मैच है ये आप ले लो हमारा तो था ही नहीं कभी ये आपके आप ले जाओ बेटा सामने इंडिया का टैलेंट खेल रहा है तो भाई साहब कैसा हुआ तमाम यंग इंडिया ऑन द राइज और टीम इंडिया को मिली T20 सीरीज की विक्ट्री कहानी इतनी सी रही कि टीम इंडिया ने एक बेहतरीन बॉलिंग के बदौलत और स्पेशली इसमें रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल का जो रोल था क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की इनिंग्स को खत्म किया और अपनी इनिंग्स को शुरू किया वो शुरू के आखिर के 2 ओवर और ऑस्ट्रेलिया के शुरू के 3 ओवर ये 5 ओवर का गेम ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 2-2 कर देगा लेकिन देन रवि बिश्नोई केम इन और जिस तरह मैं इस बच्चे को कहता हूं इस लड़के के दिल नहीं इसके अंदर शेर का दिल है लाइन्स हार्ट की तरह ये बॉलिंग करता है और क्या जबरदस्त इंटेंट एक वो कहते हैं ना विकेट टेकिंग स्पिनर है उसकी एटीट्यूड में दिखता है विकेट टेकिंग एबिलिटी और इस पूरी सीरीज में रवि बिश्नोई बड़ा इंप्रेस कर रहा है और हर दफा रवि बिश्नोई ने उन फेजेस के अंदर विकेट ली है जहां सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन को विकेट की जरूरत होती थी लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आज अपने एक्सपीरियंस का मुजाहिरा किया हाउ ही कट ऑन द पेस आपने आगे वाले बॉल खिलाने के लिए ना कट डाउन कर दिया था रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल दोनों ने 8 ओवरों में 33 रन दिए हैं विकेटें भी अपने नाम ली पूरा मोमेंटम भी वहां से तोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ करने को नहीं था सिवाय इसके कि वो फास्ट बॉलर्स को अटैक करें अगर 4 विकेटें दोनों के दरमियान हो गई 33 रन मैच देखे 8 ओवर में वो भी कैसे कॉन्टेस्ट में जो कि T20 कॉन्टेस्ट है 175 to chase है सो आप कमर तोड़ी देते हो अपने ओपोनेंट 44-0 था ऑस्ट्रेलिया और जब आप 175 की चेज में होते हो ना तो अगर आप 3 ओवर में 40 रख चुके हो 18 बॉलों में सो आप समझते हो कि गेम वहां से डन हो गया है लेकिन वहां फिर बहादुरी रवि बिश्नोई जैसे बॉलर की कि जहां वो आता है और वो विकेट निकालता है अपनी पहली बॉल के ऊपर मतलब इट वाज जस्ट डैम टू गुड बाय हिम ही वाज राइट ऑन द मनी एंड सो वाज अक्षर पटेल ये दोनों की बदौलत आज इंडिया ये गेम जीता है तो दिस वाज द यंग इंडियन साइड दे प्ले फ्रॉम द स्टार्ट एंड दे वन द फर्स्ट टू मैचेस अगेंस्ट अ मच स्ट्रॉन्गर ऑस्ट्रेलियन टीम तो देयर परफॉर्मेंस टुडे वाज आउटस्टैंडिंग अगेन एंड ये जो बंदा है जो डायनामाइट पॉकेट है ना जिसका नाम है रिंकू सिंह यार फिर बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल गया आज ये रिंकू सिंह मुझे बहुत मतलब ही हैज इंप्रेस मी अ लॉट यार तो आज रिंकू सिंह जिस तरह खेला है ना और जो चीज अच्छी जो मुझे नजर आई है रिंकू में वो ये कि यार बिकॉज ही इज आल्सो प्लेड अ लॉट ऑफ लिस्ट ए क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट ही इज गॉट द एबिलिटी टू मतलब एक्सेलरेट वेरी मच टू एक्सेलरेट बहुत अच्छे सीधे हिट्स मारता है और जहां जरूरत है अप्लाई करने की अपने आप को पेशेंस से खेलने की लेकिन रिंकू रियली प्लेड वेरी वेल एंड मतलब द गाय इज मटेरियल है यार बंदे में मतलब ट्रू ग्रेट है लेकिन एकदम से 3-4 विकेटें गई इंडिया की उसके अंदर ये रहा था कि मतलब यू नो दे माय स्ट्रगल टू रीच 150 बट देन दिस फेलो रिंकू और फिर ये जितेश शर्मा 35 की इसमें दोनों ने बहुत ज्यादा बैटर दोनों 4 विकेटें ले गए अक्षर भी अच्छी बॉलिंग कर गया उसमें वेरी इकोनॉमिक टू बॉलिंग 4 में 16 3
फिर बिश्नोई 4 में 17 और 1, और फिर फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया आज उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया, उसने भी 4 ओवर में से 33 रन दिए। तो जब आप एक कम स्कोर को डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपके 2-3 बॉलर्स को मतलब थ्रू आना होता है, एंड दे केम थ्रू टुडे। बिश्नोई इज अ गुड बॉलर यार, मुझे बड़ा पसंद है।